हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज ये बूटस्ट्रैप 5 की पार्ट 2 है। आज हम इसमें देखेंगे व्हाट इज अ न्यू इन बूटस्ट्रैप 5, क्या क्या न्यू न्यू फीचर्स एड ऑन हुए हैं बूटस्ट्रैप 5 में, एंड उनमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में, वेबसाइट में, जो भी। ओके, एंड इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे गाइस कि हम इसके अंदर जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जैसे आपने देखा भी था कि इसमें जो प्लेलिस्ट है आपकी, सबसे पहले उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे, एंड 50 से ज्यादा भी हो सकती हैं। उसके साथ हम 10 रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे गाइस। ओके, एंड अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एंड गाइस, इसी 50 वीडियोस के साथ में हम देखेंगे 10 रियल प्रोजेक्ट्स। तो 10 रियल प्रोजेक्ट्स में से हमने 2 रियल प्रोजेक्ट्स अभी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए, जिसमें पहला था हमारा फूड की वेबसाइट एंड सेकंड था आपका ऐप डिजाइन, जो कि हमने दोनों को बूटस्ट्रैप 5 में बनाया है गाइस। ओके, एंड इसके बाद क्या है कि इस वीडियो के अंदर जो हम देखेंगे कि क्या क्या न्यू फीचर्स आए हैं, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या न्यू फीचर्स आए हैं बूटस्ट्रैप 5 में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज अ न्यू इन V5। V5 मींस की वर्जन 5। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड इसके बाद में सबसे पहला आपका यहाँ पर पॉइंट क्या है, आपका मेजर रीराइट ऑफ द इंटायर फ्रेमवर्क। ओके, इसका मतलब है आपका कि बूटस्ट्रैप ने क्या करा है कि बूटस्ट्रैप के अभी तक जितने भी बूटस्ट्रैप 2, 3, 4 जितने भी है ना अभी तक, उन्होंने क्या करा था कि हर बार कुछ चेंज करते थे। ओके, बट इस बार उन्होंने क्या करा है कि पूरे के पूरे इंटायर पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को चेंज करा है, पूरी रीराइट करा है, उनको दोबारा लिखा है उन्होंने, एंड उसमें क्या क्या चीजें चेंज करी है वो चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो यहाँ पे आ गया आपका, नेक्स्ट आपका ब्रांड न्यू लुक एंड फील, कि उन्होंने पूरी की पूरी वेबसाइट को ना न्यू करने की कोशिश करी है, न्यू आपका फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करी है, जिससे कि उसका लुक एंड फील बहुत बेटर हो गया है। ओके, उसके बाद है आपका ब्रांड न्यू लोगो। आपने देखा होगा कि बूटस्ट्रैप 4 का लोगो थोड़ा डल था, डार्क ब्लू था, बट इसमें आपका शाइनिंग, ओके, बहुत ज्यादा लाइट कलर निकल के आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, जो कि आप देख रहे होंगे मैंने हेडिंग में भी यूज कर रखा है, लोगो में आपको विजिबल हो रहा होगा बूटस्ट्रैप 5 का। ओके, एंड इसके बाद आप देखेंगे न्यू टाइपोग्राफी। ओके, आपने देखा होगा पिछले जो फॉन्ट्स थे उनके वो थोड़े ऐसे रहते थे, बट इन्होंने क्या करा है इस बार ना थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करिए और अच्छे फॉन्ट्स यूज करें और बहुत ज्यादा अपनी टाइपोग्राफी पे काम करा है इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 में। ये सारा कुछ हम देखेंगे जब हम डिटेल में कवर करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। ओके, नो जेक्वेरी रिक्वायर्ड एनी मोर। अब मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप 5 का सबसे मेजर जो रिप्लेसमेंट था ना वो यही था कि लाइक कि उन्होंने जेक्वेरी को रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा 2, 3, 4 सब में आपको jQuery की डिपेंडेंसी रहती थी, जो भी इनके JS के जितने भी प्लगइन आपको यूज करने थे उसके लिए, बट इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 में इस चीज का क्यों करा, क्योंकि आपको पता है कि जो आजकल मार्केट में चल रहा है सबसे ज्यादा वो है आपका React JS एंड Angular एंड Vue JS। JavaScript का जो मार्केट है ना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो जिसकी वजह से हर कोई चाहता है कि जावास्क्रिप्ट के लिए कंपेटेबल हम अपनी चीजें बना सके, तो इसलिए बूटस्ट्रैप 5 ने भी उस चीज को भी फॉलो करा एंड अपने यहां से जेक्वेरी को रिमूव कर दिया गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखेंगे न्यू CSS कस्टम प्रॉपर्टीज। बहुत सारी नई नई प्रॉपर्टीज इन्होंने इन्वेंट करी है बूटस्ट्रैप 5 में, जो कि हम यूज करेंगे अपने आने वाली वीडियोज में। नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे ड्रॉपिंग सपोर्ट फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इन्होंने क्यों सपोर्ट बूटस्ट्रैप 5 से हटा दिया, आपने देखा होगा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना ज्यादा यूज नहीं होता, क्यों? क्योंकि अब आपके पास है यहाँ पे क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, अब आपका विंडो 10 का खुद बाय डिफॉल्ट, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना ज्यादा यूज नहीं होता। एंड जब आपको कोई भी बड़ी चीज इन्वेंट करनी होती है ना और कुछ अचीव करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ड्रॉप्स करना पड़ता है, तो इसी को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या करा है बूटस्ट्रैप 5 ने कि इन्होंने सपोर्ट हटा दिया है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर से, जिसके थ्रू अब आप क्या कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 का सपोर्ट आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट में क्या है आपका, व्हाट इज अ न्यू इन V5। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि न्यू थीम्स कलर, इन्होंने क्या करा है एड ऑन कि कलर्स का भी एक इन्होंने बहुत नई नई क्लासेस बनाई है, एड ऑन करा है कलर्स का पैलेट, कि कलर पहले क्या थे बहुत कम थे, ओके, आपने यूज कर रखे होंगे वो भी बहुत ज्यादा कलर कम थे, उन्होंने उस क्लासेस के अंदर भी बहुत सारी क्लासेस बनाई है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाई है, जिससे कि आप अपनी थीम पे उनको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे आगे आने वाली वीडियोस। न्यू थीम कलर्स आप समझ गए। एंड इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है आपका इसके अंदर, इनहेंस्ड ग्रिड। इनहेंस्ड ग्रिड में आपने इन्होंने क्या करा है कि लाइक कि आपने देखा था, बट इन्होंने इस टाइम पे इसके अंदर क्या कर रखा है कि लाइक आपके पास ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस भी आने वाली है, जैसे कि आपको नेक्स्ट लाइन में दिख रहा होगा मल्टीपल चेंजेस इंक्लूड एडिशनल ऑफ XXL। ओके, अब आपके पास इससे पहले अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो आप समझिए, अगर बूटस्ट्रैप 4 आपने पढ़ रखा है तो उसके अंदर आपके पास वहां पे SM था, MD था, LG था, ओके, सबसे लार्ज स्क्रीन के लिए, बट उन्होंने अब 4 के बाद क्या 5 में इंक्लूड करा है XXL। ओके, ध्यान रखिएगा,
तो थ्री फोर एंड फाइव में यही डिफरेंस है। थ्री में क्या था आपका, सबसे पहले वहां पे एक्स एस था, वहां पे सबसे स्मॉल स्क्रीन के लिए वो उन्होंने रिमूव करा फोर में। फोर के बाद अब उन्होंने वहां पे जो फोर में छोड़ा था लाइक बड़ी स्क्रीन के लिए, सबसे बड़े डिवाइस के लिए जो कि आपके आजकल बहुत बड़े बड़े मॉनिटर्स हो रहे हैं उनके लिए उन्होंने एक नई स्क्रीन का इन्वेंट करा जो कि आपका XXL है, जिसको हम यूज करके अपने ग्रिड सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी टेम्पलेट को बना सकते हैं गाइस, ठीक है, जो कि हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। इसके बाद आप देखेंगे ऑफ कैनवस, ऑफ कैनवस कैसे इन्होंने इन्वेंट करा, कैसे सपोर्ट लाए हैं उसका, कैसे डिजाइन कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। इसके बाद आप देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 हैज इट्स ओन आइकन सिस्टम। आपने देखा था बूटस्ट्रैप जब आप यूज करते थे ना, उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता था, कोई अलग से लाइब्रेरी लेके आइकन्स यूज करने पड़ते थे। ओके, बूटस्ट्रैप के जितने आइकन थे वो इनफ नहीं थे। ओके, बट इन्होंने बूटस्ट्रैप 5 में क्या करा कि जो बूटस्ट्रैप 5 है ना, उन्होंने अपने ही खुद के आइकन इन्वेंट करें जिससे कि आप यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, लाइक फॉन्ट ऑसम का रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हैं, लाइक बहुत सारी अलग अलग लाइब्रेरी का बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है एक प्रॉपर, इन्होंने कोई भी चीज अपने हाथ से जाने नहीं दिए बूटस्ट्रैप 5 के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि हम सारा कुछ कवर करेंगे आने वाली वीडियो। एंड इसके बाद आपके पास क्या है, 3 आने वाला है, उसके अंदर हम देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 को कैसे इंस्टॉल करा जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ, ठीक है, कि ऑनलाइन कैसे यूज कर सकते हैं एंड ऑफलाइन कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, एंड पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। जो भी नए हैं गाइस उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम फेसबुक एंड ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।